आप सभी का स्वागत है आज की एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कक्षा में। बच्चों, पिछली कक्षा आपने देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम क्या है। अब उसके बाद जब आप यह समझ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है, तो ज़रूरी हो जाता है कि अब उसके आगे हम बात करें। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में जो क्षमताएं और गुण शामिल किए गए हैं उनके बारे में। एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, जी हाँ, उद्यमशील क्षमताएं, जिनका उल्लेख एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में किया गया है, उनके बारे में आपको बताते हैं। बड़ा सोचना, जी, बिग ड्रीम, बिग थिंकिंग, कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना, यानी ट्राई न्यू एंड चैलेंजिंग, अवसर पहचानना अर्थात रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, और योजना बनाकर काम करना अर्थात प्लान एंड एग्जीक्यूट, और गिरकर संभलना बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स, फिर विश्लेषण करके सीखना यानी एनालाइज एंड लर्न, और फिर हम बात करेंगे प्रसवीय यानी निरंतर प्रयत्न करना, दृढ़ निश्चय। तो ये तो हैं ईएमसी में यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में उद्यमशील क्षमताएं जिनका जिक्र किया गया है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और आज बात करेंगे बड़ा सोचना यानी बिग थिंकिंग या ड्रीम बिग। अब बड़ी सोच आप क्या समझते हैं बड़ी सोच के बारे में? पहली बात तो यही हो जाती है कि बड़ी सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं। बड़े सोचने से मतलब कोई ऐसा सपना, बिग ड्रीम, आप ऐसा सपना देखें जो आपको सोचने भर में पहले सपना ही दिखाई दे, लेकिन सोचें तो सोचने में लगता क्या है। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको पहले, उसके बाद हम बिग ड्रीम के बारे में बात करेंगे। एक बेरोजगार युवक था और गरीब परिवार से था, हर रोज नौकरी की तलाश में रेलगाड़ी से इधर उधर सफर करता रहता था। घर में सब्जी भी कभी कभार ही बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अलग तरह का था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता, उसे टिफिन के अंदर इस तरह से डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी लगा रहा हो, खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को देख करके जो उसके आसपास बैठे यात्री थे हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का टुकड़ा लेता और उसी तरह से टिफिन में डालता और खा लेता। सभी सोच रहे थे आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से नहीं रहा गया, उसने पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो सब्जी नहीं है, अचार नहीं है, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में क्यों डाल रहे हो, मानो उसमें सब्जी हो या अचार हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ, आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसकी इस बात को सोचकर आसपास के यात्री हैरान हुए और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम उस अचार की जगह मटर पनीर सोचते, शाही पनीर सोचते, तुम्हें इससे अच्छा स्वाद मिल जाता।
तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर तुम्हें अचार का स्वाद मिल रहा है, तुमने अचार सोचा, तो तुम दूसरी स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में भी सोचते तो तुम्हें उसका स्वाद आता। सोचना ही था तो छोटा क्यों सोचा, कुछ बड़ा सोचते। तो अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा परिणाम आपको मिलता है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो परिणाम छोटा होगा, बड़ा सोचेंगे तो परिणाम बड़ा होगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा लगनी है, उतना ही समय लगना है, और बड़ी सोच में भी उतना ही समय, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आपको सोचना ही है तो फिर आप अच्छा क्यों ना सोचें, बड़ा क्यों ना सोचें। जरूरी है आप अपने आप को एक श्रेष्ठ विद्यार्थी सोचें, श्रेष्ठ व्यक्ति सोचें, समाज का अच्छा नागरिक सोचें, तो धीरे धीरे आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। क्योंकि बड़ा सोचना आपकी सोच में भी बदलाव करता है, आपके जीवन में परिवर्तन करता है। क्योंकि जिसकी जैसी सोच, सुना है ना आपने, जिसकी जैसी सोच उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। और इस कहानी में जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसको अभी मैंने आपको सुनाया, कि अगर वह व्यक्ति अचार के बारे में सोचकर अचार का स्वाद ले सकता है, तो आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। आपका सपना भी पूरा होगा। बड़ा सपना देखिए, आप दूसरों की गाड़ी देख करके ईर्ष्या करने की बजाय अगर ये सोचें कि एक दिन ये गाड़ी मेरे पास होगी, तो यकीन मानिए वो गाड़ी आपके पास होगी। बस बात है बड़ी सोच रखने की, पर सोच को तो बदलना पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप एक बार सोच भी लेंगे तो एक बार सोचने भर से ऐसे कैसे हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात है, एक दिन बड़ा सोचने से आप बड़े नहीं बन जाएंगे, ये बात हम भी मानते हैं। पर जरूरी है कि जब आप अपनी बड़ी सोच के बारे में रोज सोचेंगे, हाँ जी रोज सोचेंगे, रोज रात को उसके सपने लेंगे, उसको ही जिएंगे, उसको ही खाएंगे, उसको ही पिएंगे, उसके बारे में ही सोचेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। देखिए आपका ही उदाहरण ले लेते हैं, दूसरों की बात हम करें भी क्यों। आपको खेलना बहुत पसंद है ना, है कि नहीं है, आपको खेलना बहुत पसंद है। और जिस खेल में आप मन लगा करके खेलते हैं तो धीरे 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 आप उसमें पारंगत होते चले जाते हैं। आप अपनी टीम का कप्तान बनना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहते हैं, और निरंतर उसके बारे में सोचने से, अभ्यास करने से आपके कार्य में दक्षता आती है, कुशलता आती है। कोई भी व्यक्ति जब भी अपना काम बड़ी कुशलता से करता है, मेहनत से करता है, तो परिणाम भी अच्छे होते हैं। पर काम करने से पहले वह सोचता है, अच्छा सोचता है, बड़ा सोचता है, मैं इस काम को आज कर लूँगा। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ बड़ा सोचिए, आपको क्या करना है, क्या बनना है, आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, आपके माता पिता के क्या सपने हैं, आपको उनको पूरा करना है। और जब आप ऐसा सोच लेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। पर हाँ, एक बार सोच लेने से, अभी हमने कहा ना, एक बार सोच लेने से काम नहीं चलेगा, आपको रोज सुबह शाम उन्हें याद भी करना पड़ेगा, उन सपनों को याद करना पड़ेगा, उस सपने को, उस एक सपने को जो आपने अपने जीवन के लिए निर्धारित कर लिया है, जीवन का लक्ष्य बना लिया है, तो उसको आप हमेशा याद रखें, सुबह भी याद रखें, शाम भी याद रखें, सातों दिन याद रखें, तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है जो आपको रोक सके। आपने वो दोहा तो सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी, मूर्ख भी सज्जन हो जाता है, विद्वान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी के आने जाने से रस्सी के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, तो आप भी जैसा सोचेंगे वैसा होगा। निसंदेह आपके कार्य में, आपके लक्ष्य में जो आप निर्धारित करके चल रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। और संस्कृत में तो वो श्लोक आपने पढ़ा है ना, कौन सा, मैं बताता हूँ, वही श्लोक
गच्छन पिपिल को याति योजना नाम शतान्यापि अगच्छन वनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। अर्थात चला हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन तक चला जाता है, परंतु न चला हुआ गरुड़ भी जो बहुत तेज उड़ता है एक कदम भी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उस चींटे की जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो बहुत दूर है, उसकी सोच बड़ी है, तो वो अपनी मंजिल पा लेता है, बहुत दूर तक चला जाता है, जो उसके आकार शरीर के हिसाब से आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, आप उसके शरीर के हिसाब से इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आपको पता है एक चींटी अपने शरीर का 100 गुना वजन उठाकर चल सकती है। तो आप बताइए, अगर आप अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो कैसे संभव नहीं होगा। बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, और ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक और उद्यमशील क्षमता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। आप बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, आपके सपने हैं।